हे गाइस महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को प्यारी 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 गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको मैंने बताया था कि 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, तो उठ कर बाबू स्कूल गया, उसको तैयार करके मैंने भेजा टिफिन वगैरह देकर। तो अब मैं अपना गरम पानी पीने जा रही हूँ। आप देख सकते, ये रहा मेरा गरम पानी। तो मैं गरम पानी पीने जा रही हूँ और गरम पानी पी करने के बाद उसके बाद घर साफ करूँगी। मेरी बिटिया भी उठ गई है सुबह सुबह, वरना वो 9 बजे 9:30 बजे उठती है, आज वो भी सुबह सुबह उठ गई है। तो अब हम चल रहे हैं, गरम पानी पीने के बाद बिस्तर का मच्छरदानी वगैरह हटा देंगे, घर में झाड़ू पोछा लगा दूँगी, बर्तन वगैरह। तो कल रात को ही मैंने सारा माँज वज लिया था। और गाइस क्या बताऊँ, कल रात को ऐसी न्यूज़ सुन लिया मैंने कि मैं एकदम शॉक हो गई और मुझे रात भर एकदम नींद ही नहीं आ रही थी गाइस। मैं तो एकदम परेशान हो गई थी, हाय ये क्या हो गया। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कल बताऊँगी, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि कल बताऊँगी, अभी कुछ शेयर नहीं कर सकती, मेरा दिमाग गलत में गाइस। रात भर मैं सोच सोच के रात भर मैं सो नहीं पा रही थी गाइस। फिर वही दिमाग में बात आ रहा था कि कैसे हो सकता है। एक्चुअली बात यह है गाइस, हमारे पड़ोस में रहती हैं, ननद का शादी हुआ था, अभी पूरे 6 महीने हुए उसकी शादी को। क्या बोलूँ गाइस, रोना आ रहा है, अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ। उसके हस्बैंड का डेथ हो गया और रात को मैंने सुना, मेरा तो करेजा हिल गया गाइस। 6 महीने से हुई उस लड़की की शादी हुए, 6 महीने में इतना बड़ा कांड हो गया। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया उसके हस्बैंड का, ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया और दूसरा गाड़ी वाला उस पर चढ़ा दिया गाइस। क्यों ये सब होता है गाइस, किसी के साथ समझ भी नहीं आता है। यही सब सोच के रात को नींद भी नहीं आ रही थी ढंग से, सोचते सोचते जब आँख बंद करो वही सब दिमाग में घूम रही है बातें, जब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर जैसे तैसे तो पता नहीं कब आँख लगी, नहीं पता, सुबह 6 बजे उठ गई मैं। अब चल रही हूँ, 7 बज रहा है, अब पानी वानी पी के अपना काम में लगूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या होगा अब बेचारी का। उनकी मम्मी लोग तो कल रात ही बाई रोड निकली हैं, उसका ससुराल अगल बगल है भी नहीं गए, हमारे बनारस से 12-24 घंटा पूरा लगता है जाने में। तो ट्रेन भी नहीं था, परसों का ट्रेन था, लोग ट्रेन का वेट थोड़ा ना करती, लोग बाय रोड ही निकली हैं। जो भी माँ है सुनिए उन लोग का क्या हाल हो रहा होगा, वही लोग जानती हैं। अब जो हुआ भगवान की मर्जी भैया, उनका उतना लाइफ लिखा था भैया। लेकिन मैं ऐसा बस उसके बारे में सोच रही हूँ कि उसका क्या होगा। बहुत प्यारी है, चलिए कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब चल रही हूँ मैं अपना काम करूँ। मेरी आँखों में क्या है कल गया, तो चलिए अपना काम वाम करते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा और मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वगैरह सब कुछ बन गया है, घड़ी में बज रहे हैं 12 और मेरा सारा काम हो चुका, कब का हो गया गाइस। मैं थोड़ा सा लेटी थी और अब जा रही हूँ कपड़े भिगाने, क्योंकि मशीन लगाने का मन नहीं कर रहा, सोच रही भिगा दूँ, हाथ से ही धुल लूँगी। तो मैंने यहाँ देखिए कपड़े निकाले हैं, मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के, बेटी के नहीं है, बेटी के और मेरे नहीं है, हम लोग तुरंत नहाते तुरंत अपना धुल लेते हैं। तो फिर बाबू का भी धुल लेती हूँ मैं, अब जा रही हूँ, पापा और बेटी का कपड़ा है तो उसे मैं भिगा देती हूँ, 1 घंटा भिगा दूँगी तो सरफ से मैला खुल जाता है, तो एक हाथ ब्रश मारो छूट जाएगा, कौन जाए मशीन लगाने के लिए गई। तो इसीलिए मैं उठी हूँ, जा रही हूँ कपड़ा भिगो देने सर्फ में, उसके बाद धुलूँगी। चलिए कपड़े पर भिजा देते हैं और बाबू का आने का टाइम भी हो रहा है, 12 बज गया, मेरा सारा खाना वाना बन गया है। मैंने आज खाने बनाया दाल रोटी चावल और भिंडी की सब्ज़ी,
तो चलिए अपना काम करते हैं, फटाफट से काम करते हैं, कपड़ा पहना देते। तो मुझे नींद आ रही है पता नहीं क्यों, और बाबू को भी नहलाना है। लावण्या को उसे बुलाऊँ तो उसे बुला कर उसे भी नहला वाला देती हूँ और फिर जाकर थोड़ा सोऊंगी। चलिए काम कर लेते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं उठ गई थी 4 बजे सो के, और उसके बाद मैंने अपना सारा काम किया। बस जो कपड़े भिगाई थी मैंने, कपड़े धुले हैं और बर्तन धोया, सब कुछ किया। और देखिए अभी मेरी बिटिया को दोपहर में बोले थे मेरे साथ सो जाओ, तो नहीं, अभी आई है खेलते खेलते, लेटे लेटे सो गई है। दोपहर भर खेली है, अभी आके सो गई है। तो अभी मैंने बालों को झाड़ लिया है और सर में तेल लगाऊंगी। रात को सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, अब पता नहीं वो कब उठेगी। घर ये बज रहे हैं 5:30। मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे सिर्फ रात के खाने की तैयारी करनी है। अब रात के खाने में क्या बनेगा ये पता नहीं गाइस, क्या बनेगा नहीं बनेगा। अभी चल रही हूँ, ताज़ा जाओ नीचे पूछ लूँ उन लोगों से क्या बनेगा रात के खाने में, बता दीजिए। अपने मन से कुछ भी बना दूँगी तो फिर बोलेंगे ये मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे, मेरा बेटा। बच्चों की तो होती है ना फरमाइश, तो चलते हैं पूछ लेते हैं। जब कुछ कुछ नहीं बोलेगा, जो मेरा मन करेगा मैं बना के रख दूँगी। और उसके बाद किसी ने कुछ कहा तो मैं ठंडे से पीटूंगी उसे। तो चलिए चलते हैं, और नीचे चेंज वेंज करके जा रही हूँ। पूछ के आओ क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा। खाना खाना खाना, सुबह खाना, रात खाना, दोपहर करो, खाना से परेशान हो जाते हैं, क्या करो। पेट है भाई, पेट पेट मानता कहाँ है, पेट पेट ये पेट मानता कहाँ है, इसी के लिए तो सब करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। एक तो मेरा गला में क्या हुआ पता नहीं, खांसी आ रही, दर्द हो रहा लग रहा, आवाज़ दिख रहे हैं आप लोग कितना भारी लग रहा होगा, मुझे मेरी आवाज़ को आप लोग कितना भारी लग रहा होगा। गला ही बैठ गया, दर्द भी हो रहा है, खांस क्यों ना लग रहा कि कितना भारी यहाँ पर गला हुआ बैठा है। तो चलिए चलते हैं नीचे चेंज करके। हे गाइस, तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए मैंने प्याज वगैरह लिया है काटने के लिए। आज मेरे घर में पार्टी हो रही है, पनीर की और पार्टी बोल तो जो लिट्टी वाटी होती है ना गौरी पे बनेगा, उसकी पार्टी होने जा रही है। मेरे फ्रेंड मैंने मेरे फ्रेंड नहीं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग आए हैं, वो लोग अपना बनाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है पनीर की सब्ज़ी बनाने की, तो मैं जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। आज वो लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी के लिए मैं प्याज वगैरह कट करके मसाले पूरे तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। 8 बजे मिलेगा इस टाइम लगेगा, फिर वो लोग आएंगे अपना ऊपर गौरी छत पे जलाएंगे, छत पे जलाएंगे, बाहर जलाएंगे, वहाँ पता नहीं, वो लोग अपना पार्टी बनाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है घर से पनीर की सब्ज़ी बनाने की, तो चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं फटाफट से। गाइस, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ गाइस। तो यहाँ पे मैं मसाले भून रही हूँ, क्या पागल है मेरा बेटा, पागल बंदी कर रहा है। तो वो यहाँ पे मसाले भून रही हूँ, यहाँ मसाले भून रही हूँ। मसाले मैंने हैं अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, पेस्ट में डाली हूँ, और लौंग इलायची दालचीनी जीरा मरीच सब मैंने इसी मसाले में पीस लिया है। टमाटर है, मटर है, सबको मैं मसालों में अच्छे से कस रही हूँ। जब हमारा मसाला तेल छोड़ देगा तब हम इसमें पानी डालेंगे और फिर पनीर डालेंगे। पनीर को फ्राई करके मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो गाइस, मेरा पनीर का सब्ज़ी देखिए यहाँ हो रहा है। मैंने ग्रेवी जितना लगाना था लगा दिया, पनीर उनीर डाल के ढक दिया है। अब मैं इसे धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, हमारा मटर गलेगा, आप देख सकते हो सब्जी का ग्रेवी अच्छे से खोल रहा है। अब हम इसे धीमी आंच में छोड़ देंगे, मैंने आज धीमा कर दिया है, अब इसे ऐसे छोड़ दूंगी पकने के लिए, हमारा मटर अच्छे से पक जाए। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस 10 मिनट तक उसे धीमी आँच पर पकाऊँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी क्या बताऊँगा, इस कूलर चालू करके मैं कूलर के सामने खड़ी हो गई हूँ हवा लेने के लिए, बहुत ज़्यादा छोटा लग कूलर चालू किया, बड़ा लग तो बंद है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, देखिए इधर पे आटा सना गया है, मैं
इधर पे आटा सना गया, इधर पे एटम बम सरियाया हुआ है, इसका ऊपर से झुर्री जलाया जाएगा, ये सब जल जाएगा। देखिए एटम बम पूरा है, इधर पे देखिए सब गौरी है, और हम लोग बनने के जलने के बाद सबको दिखाते हैं। आइए चलिए चले नीचे। गाइस देखिए मेरा सब्जी हो चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी सब्जी से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, और हमारा रोगन कितना अच्छा सब्जी में आया है, आपको दिखाती हूँ। आइए आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हो हमारे सब्जी कितना अच्छा से रोगन आया है सब्जी में, पूरी हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, और ऊपर बाटी की तैयारी हो रही है जो कि मेरे बाबू ने ले जाके थोड़ा सा आप लोगों को क्लिप दिखाया। अभी गौरी वगैरह जला नहीं है, बस जलाने जा रहे हैं, आटा लगा चुके हैं वो लोग। अब हम गैस को करेंगे बंद क्योंकि हमारी सब्ज़ी पक के तैयार है। चलिए गैस को बंद करते हैं, सब्ज़ी को ढक देते हैं इसी से। बाबू आप लोग को दिखाया ऊपर क्या हो रहा है, अभी गौरी जलाने जा रहे हैं, सजा के रख लिए हैं, और फिर उसमें बाटी बना के अपना डालेंगे। आटा वाटा उन्होंने लगा चुका है और मैंने सब्जी बना दिया है, मेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी जब बाटी बनेगा तो मेरा बाबू फिर ले जाके आप लोग को दिखाएगा। मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। अभी वो लोग खाना खाएंगे, नीचे ही खाएंगे, तो चलिए फटाफट से उन लोग को बनाने देते हैं, और मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मेरे पैर में दर्द हो गया, कड़ा होगा मसाला भूनते भूनते काफ़ी ज़्यादा पैर में दर्द हो गया है। अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी जब तक वो लोग आते हैं बनाकर खाना, फिर उनके बाद उन लोगों को खाने दूँगी खाना। तो गाइस सब लोग खा के खाना चला गया, अब मैं खाने जा रही हूँ। ये मेरा देखिए भौरी है, भौरी बोले तो लिट्टी लोग डिज़ाइन से बनाए हैं, ये पनीर की सब्ज़ी है। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, हम लोग क्या सब लोग खा लिया, अब मैं खाने जा रही हूँ। और चलिए इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं, आप से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय बाय।